वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो, जो कि फाइनली मुझे सेल में मिल गया। और अमेज़ॉन की फ्लैश सेल थी तो मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम है, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। एनीवेज, तो नेक्स्ट अपन आते हैं मोबाइल का पैकेजिंग, जो कि अमेज़ॉन की नॉर्मल रहती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अमेज़ॉन से सामान लेना है, मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस लगती है। इनफैक्ट अगर आप अमेज़ॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको तो और अच्छी सर्विस मिलती है। तो ये रहा रेडमी नोट 8 प्रो का बॉक्स, आप साइड में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एलेक्सा। पीछे आते हैं, देखते हैं, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्राइमरी सेंसर, हीलियो G90D प्रोसेसर है, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 4500 mAh की बैटरी है। और यहाँ पे आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि नॉच है इसमें, डॉट नॉच जिसको शाओमी बोलता है, डुअल वोल्टी एंड USB टाइप सी एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फ्लाई 5 है, बहुत सारी चीज़ें, स्प्लैश प्रूफ है, तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने जिसको बुलवाया है, गामा ग्रीन 6GB 128GB इंटरनल मेमोरी एंड दैट्स एलेक्सा बिल्ट इन रेडमी नोट 8 प्रो साइड डब्बे की साइड में। नेक्स्ट, इस साइड भी यही लिखा है। पीछे जाते हैं, इसमें MRP लिखी है 17,999, लेकिन मैंने इसको लिया है 16,000 का, 15,999 में। और मैंने जो मोबाइल लिया है ये 3,000 का, मैंने इसलिए इसको बोला है क्योंकि जो मेरे पास इससे पहले मैं प्राइमरी डिवाइस अपना Realme X यूज़ कर रहा था, उसको मैंने 14,000 का बेच दिया, 13,000 का बेच दिया एंड 3,000 एक्स्ट्रा डाल के मैंने अपना ये ले लिया। तो मुझे बेसिकली 3,000 का पड़ा है। मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी डील लगी एक्चुअली। मेरा Realme X काफ़ी, मैं 3 महीने यूज़ किया, मैं मज़ा नहीं आ रही थी उसको चलाने में बेसिकली, तो मैंने ये ले लिया। चलिए डब्बा खोलते हैं और जल्दी से देखते हैं क्या है भाई डब्बे में। तो डब्बा खुल चुका है और नेक्स्ट इसमें आते हैं, जो उसका फ्रंट डब्बे में है वो उसमें आपको यूज़र मैनुअल एंड एक TPU केस मिलेगा, जो कि नॉर्मल अनबॉक्सिंग वीडियोस आप देखते हैं तो मैंने भी देखा था, इसमें सब में वही देते हैं। ओके, तो एक बार कवर देख लेते कैसा है। ये रहा नॉर्मल सा एकदम बेसिक TPU ट्रांसपेरेंट केस, जो कि मेरे को पता है ये कवर बहुत बेकार है यार, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, आपके कैमरा को किसी भी एंगल से प्रोटेक्ट नहीं करता है कैमरा। इस बम्प इसका थोड़ा ज़्यादा है, अपन देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है जो। तो नेक्स्ट चीज़ जो मिलती है अपन को बॉक्स में, ये रहा वो अपना चार्जर, जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जर है। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी MI की, जो ने फर्स्ट टाइम बॉक्स के अंदर ही 18 वॉट का चार्जर देना चालू किया। नहीं तो वो लोग सिर्फ मोबाइल में 18 वॉट का सपोर्ट दे देते थे लेकिन चार्जर साथ में नहीं देते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इस बार फाइनली आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है। ये आउटपुट आपने देखा, हांगकांग टेक्नोलॉजी निवेश। तो बाकी USB टाइप सी एज नॉर्मल एज यूजुअल, जो कि फास्ट चार्जिंग है तो बेसिकली हम लोग को ये मिलना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो सब कुछ रखते हैं साइड में, अब देखते हैं अपना मोबाइल, जो कि यार बहुत बहुत थोड़ा भारी है लेकिन बहुत बहुत सही लग रहा है हाथ में पकड़ने में। थोड़ा भारी है, 4500 mAh की बैटरी है, पूरा ग्लास बॉडी है तो थोड़ा सा हैवी है मोबाइल। फ्रंट में आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल कैमरा है और रियर में आप देख सकते हैं दैट्स गामा ग्रीन कलर, बहुत ही शाइनी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कंफ्यूज था कि वाइट लूँ या ग्रीन, लेकिन फाइनली मैंने सोचा लेट्स गो फॉर ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है और अलग सा है थोड़ा, कुछ अच्छा लगता है। ये ओप्पो और वीवो से इंस्पायर्ड है, बेसिकली ओप्पो का भी ऐसे मोबाइल आते हैं जो वैसे ही चमकते हैं। तो जल्दी इसे आप निकाल देते हैं, इसका मैं आपको पीछे सार वैल्यू दिखा देता हूँ। तो ये रही सार वैल्यू इस मोबाइल की, जो कि हेड और बॉडी के लिए आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मोबाइल में है दैट्स मेड इन इंडिया, बहुत अच्छी चीज़ है मेड इन इंडिया, इसको भी अपन निकाल देते हैं। ओके, तो सब निकल चुका है, अब ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको सबसे ऊपर मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन IR ब्लास्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं सिम ट्रे, जो कि इसमें दो सिम ट्रे दी हुई हैं, एक है एक सिर्फ सिम के लिए है और एक में आपका मेमोरी कार्ड प्लस सिम है, मैम वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक में आपकी प्राइमरी सिम डलेगी सिम 1 एंड सेकंड में आपका सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी इसमें 128GB इंटरनल है। नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है एक हेडफोन जैक, फिर उसके बाजू में मिल जाता है एक अपना चार्जर चार्जिंग पोर्ट दैट्स USB टाइप सी, देन उसके बाद आ जाते हैं अपना नॉइस माइक्रोफोन, देन स्पीकर, देन उसके बाद राइट साइड में देखते हैं मोबाइल की तो
वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर की मिल जाता है, और फ्रंट जैसा मैं आपको बताया। नेक्स्ट जो मेन हाईलाइट है इस चीज़ का वो है रियर में, जो कि है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको मिल जाता है ऊपर एक डेप्थ कैमरा है, उसके नीचे आपको 64 मेगापिक्सल, उसके नीचे एक वाइड एंगल, देन सबसे साइड में जो है मैक्रो शॉट। सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा इसके कैमरे के जो मैक्रो लेंस ने है उसने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया है। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, उसके फ़ोटोज़ इतने अच्छे आते हैं, मैं क्या बताऊँ, कितनी डिटेलिंग रहती है, और मुझे सीरियसली उसका जो मैक्रो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रहा पीछे से मोबाइल, और जल्दी से इसको सेटअप करता हूँ मोबाइल को, और फिर उसके बाद यूआई में इसके आते हैं, कैसा क्या यूआई है, जल्दी से इसको सेटअप करते हैं। दैट्स रेडमी नोट 8 प्रो, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बहुत ही मुझे सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई यूजली डोंट यूज़ एमआई के फ़ोन्स, लेकिन फिर भी मुझे ये जो फ़ोन इसका पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जल्दी से सेटअप करता हूँ मोबाइल को, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो मैंने इसमें अपना फिंगरप्रिंट भी इनरोल कर लिया है, और बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट है। मैं सीरियसली मैं सच बताऊं तो मुझे इन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने यूज़ किया रियल मी एक्स में, बहुत फास्ट था उसका, लेकिन फिज़िकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये चीज़ सेटअप करते समय ये सारे ऑफ बंद कर दी, क्योंकि सब कुछ ऑफ कर दी, क्योंकि आपको एम आई यू आई में एड्स देखने को मिलेंगी अगर आपने इनको बंद नहीं किया। तो जल्दी से मोबाइल का अपन थीम सेट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लोडिंग ऐप्स था ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मैं इसको स्किप करता हूँ ये पार्ट, उसके बाद आते हैं। 2000 years later. So finally मोबाइल अपना सेटअप हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन एलईडी भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसा एम आई यू आई 10 है नॉर्मल, यहाँ पे आपको सारी डे टू डे चीज़ों में जो भी यूज़ होता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऐप, इसमें कोई ऐप ड्रॉअर नहीं है, तो सिंपल जैसा एम आई यू आई 10 होता है एम आई यू आई। देन जो जब वो बोले थे जैसे में फोकस किया गया है, दैट्स एलेक्सा बिल्ट इन, तो वो ये एलेक्सा, लेट्स ट्राई, व्हाट्स द वेदर राइट नाउ इन पुणे, इट्स 27 डिग्रीज सेल्सियस विद पार्टली सनी स्काइज। ओके, सो ये है रही एलेक्सा। नेक्स्ट आते हैं सेटिंग्स में जाते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे जैसा एम आई यू आई 10 का नॉर्मल यूज़र इंटरफेस रहता है वैसा ही है। यहाँ पे अबाउट डिवाइस में गए, आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो, यहाँ पे एम आई यू आई 10.4.4 एंड दैट्स एंड्रॉयड वर्जन, जो कि एंड्रॉयड पाई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 128 GB स्टोरेज है इसकी, जैसा मैंने बताया उसमें से 114 फ्री है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, 114 बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी नॉर्मल यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है, लॉक स्क्रीन, काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ज़रा कैमरा, जो कि इसका मेन हाईलाइट फीचर है। तो ये रहा इसका बेसिक कैमरा, और आप देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको मैक्रो लेंस दिखाना चाहता हूँ, जो कि ये है यहाँ पे जो लास्ट में फ्लैश लाइट के जस्ट नीचे है, ये दिस इज़ मैक्रो लेंस। तो मैं ज़रा अपने हाथ पे ही फोकस करके आपको दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी बहुत बहुत क्लोज आ जाता है अपने सब्जेक्ट के। नेक्स्ट आते हैं, तो इसको मैं मैक्रो मोड बंद करूँ, और नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे ये एक नॉर्मल कैमरा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे क्लिक किया, दैट्स वाइड एंगल एंड इट कैन गो रियली वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज़ टू एक्स जूम एंड अगेन दिस इज़ बैक टू नॉर्मल। तो इसमें बाकी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं AI, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का अलग से एक से वो मिल जाता है मोड, जो कि 25 MB की फ़ोटो खींचता है। मैंने जस्ट काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची, मैं डाल देता हूँ आप देख सकते हैं, ये 64 मेगापिक्सल में खींची गई फ़ोटो है, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल ले लेता है मोबाइल यार, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट आते हैं, ओके ये मैक्रो शॉट से लिया था मैंने, ओके तो ये रहा कैमरा। देन 64 मेगापिक्सल के बाद आता है पोर्ट्रेट एंड दैट नाइट मोड एंड पैनोरामा, प्रो मोड आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आता है। प्रो मोड में आपको वाइट बैलेंस मिल जाता है, फोकस, शटर स्पीड, ISO, लेंस, आपको सब सेट करने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, दैट 64 मेगापिक्सल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ओके तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है वीडियो में, तो दिस इज़ वीडियो एंड वीडियो भी आपका काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे इसमें शॉर्ट वीडियो भी आपको ऑप्शन है, देन स्लो मोशन भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। स्लो मोशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 960, 120 एंड 240 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ओके तो नेक्स्ट आते हैं इसका फेस अनलॉक, जो कि मैंने पहले सेटअप करके रखा है, जल्दी से आपको दिखाता हूँ उसका फेस अनलॉक। एज यू कैन सी मैं बस बटन दबाता हूँ और ये खुल जाता है, बहुत फास्ट है। नेक्स्ट इसका फिंगरप्रिंट भी देख लेते हैं भाई, अनलॉकिंग स्पीड इज ब्लेजिंगली फास्ट। नेक्स्ट इसका कवर, जो मैं इसको बोलूँगा बहुत ज़्यादा इसका एक डिसएडवांटेज है इसके कवर का, जो कि नहीं देते तो ज़्यादा बेटर था यार, मतलब इतना बेकार। अब ठीक है रियलमी वाले भी अगर इतने, मैं रियलमी का मोबाइल यूज़ किया था, मैं आप देख सकते हो कैमरा बम्प क्लियरली कितना ऊपर है इसका, ये आपको मोबाइल का कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, बहुत ऊपर है आप देख सकते हो, कोई आपके कैमरा लेंस को कोई प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है ये, तो आपको एक अलग से इसमें लेना ही पड़ेगा। ऊपर से इसमें कोई स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ नहीं आता है, तो आपको वो भी ख़रीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देन अगेन एलेक्सा तो है ही यहाँ पे, और बाकी सब सब कुछ एक नॉर्मल जैसा रहता है MIUI में। कैमरा बहुत अच्छा है, एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने इसको सेटअप किया है और मैंने इसमें गूगल कैमरा डाल दिया, और आप चेक कर सकते हो गूगल कैमरा में वाइड, मैक्रो मोड एंड मेन सब कुछ आ रहा है इसमें। सी एज यू कैन सी दिस इज़ मैक्रो, और मैक्रो गूगल कैमरा में ये भी वर्क कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। चूँकि सी ये मेरे हाथ के सब रेशे वगैरह भी सब दिख रहे हैं भाई, बस इस बॉस इसमें बहुत 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 बढ़िया, तो सब कुछ काम कर रहा है। गूगल कैमरा इज वर्किंग परफेक्ट परफेक्ट वेरी परफेक्टली, एंड कैमरा इज इन द बैकग्राउंड। ओके तो ये कुछ इनका, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ कैमरा सैंपल्स डालता हूँ।